उत्तर प्रदेश के दूसरे और उत्तराखंड और गोवा की सभी विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसको लेकर 12 फरवरी शाम 6 बजे चुनाव प्रचार भी थम गया था, तो वहीं आज पोलिंग पार्टियां सभी पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि गोवा की अगर बात की जाए तो 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो देखिए, अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कल यानी कि 14 फरवरी को अगर यूपी की बात करें तो दूसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गोवा की, तो आपको बता दें कि गोवा में 40 और इसी के साथ ही उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इसी के साथ ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं से अपडेट लेंगे क्या कुछ वहां पर हलचल चल रही है। आपको बता दें कि विजय कुमार बिजनौर, इसी के साथ ही पुष्कर सैनी चमोली से, तो वहीं योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे विजय कुमार का, क्योंकि बिजनौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, जानकारी चाहेंगे, कल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, अभी वहां पर क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं, कितनी तैयारियां वोटिंग को लेकर? आवाज मिल पा रही है आपको विजय? 364 यहाँ संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और 31 यहाँ संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ 110 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां लगाई गई हैं और 16,000 यहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, 385 माइक्रो ऑब्जर्वर की यहाँ पैनी नजर रखी गई। पुलिस प्रशासन ने यूपी उत्तराखंड की यहाँ सीमाएं सील कर दी गई और चौकसी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है विजय, विजय लौटूंगी आपके पास। इस बीच रुख पुष्कर सैनी का करेंगे, चमोली से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जानकारी चाहेंगे। पुष्कर, वहां पर क्या कुछ आप तैयारियां देख पा रहे हैं, कल दूसरे चरण का मतदान होना है, अगर चमोली की बात करें तो चमोली में कल, उत्तराखंड की बात करें तो 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं तैयारियों के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए सती, जिस तरह से जो आगाज हुआ था जनवरी के महीने से, जो चुनाव आवाज चुनाव का जो 2022 का जो चुनाव होना था, उसकी जो अंतिम घंटे जो अब बच चुके हैं कि 14 तारीख को जो जिस तरह से जो इलेक्शन होना है, उसकी तैयारियों की अगर मैं बात करूं जनपद चमोली की, तो यहां पे जो कल से ही जो है पूर्ण तैयारी जो है प्रशासन द्वारा कर दी गई। कि हालांकि आज जो है 538 जो है पोलिंग पार्टियां जो है अपने क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे, दूरस्थ गांवों की तो कल यहां पे चली गई थी, 34 यहां पे पार्टियां जो इनको रवाना कर देगा, चाहे SDRF हो, चाहे आपका IDPP हो, चाहे आपका पुलिस प्रशासन हो या PRD हो, या तमाम सारे जो सेना की टुकड़ियां हैं इनको कल यहां से रवाना कर दिया गया था। हालांकि आज सबसे बड़ा सवाल यह है स्वाति की, कि आज की जो कार्यशैली है या आज की जो, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ा दल या पार्टियों के जो पोलिंग पार्टियां हैं इनको जाना है, इनको रवाना करना है, क्योंकि आज भी जो है मौसम जो है पूरे उत्तराखंड में चटक धूप खिली हुई है। हालांकि धीरे धीरे अब जो है पोलिंग पार्टियां अपने क्षेत्रों को ले, अपने गांव के लिए रवाना कर दी गई है। जनपद चमोली की अगर साथी मैं बात करूं तो 3 विधानसभाएं यहां पे हैं, कर्णप्रयाग विधानसभा होगी, थराली विधानसभा होगी और बनास विधानसभा होगी। तो लगातार यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग जो है जिला अधिकारी इसको कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी कर रहे हैं। तो हालांकि अब कल का दिन जो आज का जो दिन बचा हुआ है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तमाम सारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम जो जिला अधिकारी द्वारा किए गए हैं, ये यहाँ पे तत्पर है। हालांकि
मध्य स्थलों की अगर मैं बात करूं स्वाति, जो दूरस्थ इलाके हमारे थे, जैसे 34 पोलिंग पार्टियां यानी 34 मतदान हमारे जनपद चमोली के ऐसे हैं जहां पे 15 से 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वो 2 दिन पहले यहां से इनको रवाना कर दिया गया। हालांकि तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, अब जो है कल जो मतदान होगा 14 फरवरी का जो मतदान होगा, क्योंकि आने वाले 2022 का जो चुनाव जो है कल यहां उत्तराखंड में होना है, 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव होना है, इसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। हालांकि कल का जो अंतिम दिन था, 5 बजे का जब समय दिया था, दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, पूरी ताकत जो है कल यहाँ पे झोंकी गई है जनपद चमोली में कि अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए। हालांकि ये 14 फरवरी के बाद पता चल पाएगा कि किस तरह का जो माहौल जो है, या भाजपा के संपर्क में बन पाता है या कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बन पाता है, कि अब पोलिंग पार्टियां जो है आज रवाना होंगी जनपद चमोली की, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव की जो धड़कने हैं वो और तेज होने वाली है, क्योंकि कल यहाँ पे वोटिंग होगी और 10 मार्च को जब जनगणना होगी तो उसके बाद जो है पता चल पाएगा कि किस पार्टी की सरकार जो है पूरे उत्तराखंड में बनती है और अपने वादों पे कितना खरा उतर पाती है। बिल्कुल पुष्कर, सही कहा आपने कि तो 10 मार्च को ही साफ होगा, तस्वीर साफ होगी कि कौन सी जो पार्टी है उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और किसको हार का सामना इस बार करना पड़ा है। फिलहाल सहारनपुर का रुख करेंगे, योगेश हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, सहारनपुर की अगर बात की जाए, कल मतदान होना है, आज वहां पर क्या कुछ तैयारियां, जब लोग वहां पर पहुंचेंगे किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो लोग, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, फर्स्ट वोटर्स की बात करें, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में कल के मतदान को लेकर के बेहद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला जो प्रशासन है पूरी तैयारियां किए हुए हैं। आज सेंट्रल वेयर हाउस से जो है पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी और सहारनपुर में 2957 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और 1308 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। और अगर कोरोना की बात की जाए, कोरोना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा, तो उसी को लेकर के जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स तक दिए जाएंगे और शील्ड दी जाएगी ताकि जो है किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। और साथ ही अगर हम बात पिंक केंद्र है वो भी बनाए गए हैं, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तमाम जो 25 लाख से अधिक जो यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे उनकी तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है और आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी, क्योंकि कल प्रचार थम गया था जिसके बाद से लगातार प्रशासन की चौकसी और बढ़ गई है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और करके मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां प्रशासन यहाँ पर करे हुए नजर आ रहा है। जी ठीक है, अब योगेश लौटूंगे आपके पास। इस बीच एक बार फिर से चमोली का रुख करेंगे। पुष्कर सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पुष्कर, अगर हम चमोली की बात करें, देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने हैं ही, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी है और चुनाव की अगर बात करें तो इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कल मतदान होना है, 70 विधानसभा सीटें हैं। अगर आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की को सुनते भी हैं, क्या रुख है लोगों का, क्या कह रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हमने बीच में देखा, उसका भी रुख कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी जिस तरह से चली और उसके बाद ये भी कहा गया कि तमाम मुद्दे हैं किसानों के, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रभाव बीजेपी का कम होता हुआ दिखाई दिया, तो इस बार क्या रुख दिखाई दे रहा है? जनता का हमेशा हर 5 सालों में जो है परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला। 5 साल जो है भाजपा ने यहाँ पे राज किया है, 5 साल जो है कांग्रेस ने राज किया है। आपने जो है आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूँ स्वाति, पहाड़ों में अभी इतना वर्चस्व जो है आम आदमी पार्टी का नहीं देखने को मिला। हाँ, पहाड़ी जो जिले हमारे हैं, देहरादून की आप बात कर सकते हैं, हरिद्वार की आप बात कर सकते हैं, उधम सिंह नगर की आप बात कर सकते हैं, काशीपुर का आप बात कर सकते हैं, जहां पे जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो इन लोगों को यहां पे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति होती है, चाहे आप चमोली की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें या आपका उत्तरकाशी की आप बात करो, पौड़ी की आप बात करो, आप गंगोत्री यमुनोत्री की आप बात करो, आप जब कुमाऊं मंडल में आप चले जाइए तो पिथौरागढ़ की अलग भौगोलिक स्थिति है, अल्मोड़ा की अलग भौगोलिक स्थिति है, उसके बाद चंपावत चले जाइए तो वहां की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहां के जो लोग होते हैं, यहां के जो पहाड़ी जो क्षेत्रों के जो विडंबना ऐसी रही है कि यहाँ पे दोनों पार्टियों को देखा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का जो विजन है या दिल्ली का जो मॉडल है उसको लेकर पहाड़ों में आई तो जरूर है, लेकिन
उतना फर्क नहीं पड़ पाएगा क्योंकि पहाड़ी जिलों में पहाड़ी जो हमारी जो विधानसभाएं हैं इतना कवर नहीं कर पाई है, क्योंकि कोई आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा जो है न तो चमोली दौरे पे आया है न आपका रुद्रप्रयाग दौरे पे आया है। ठीक है पुष्कर नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही विजय आपका भी और योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सेंसिटिव एरियाज को वॉच करने के लिए सर इसमें यहाँ पे एक ऐप भी मुरादाबाद पुलिस ने, हाँ मुरादाबाद पुलिस ने अपने इन हाउस कैपेबिलिटीज के साथ एक बहुत ही अच्छा ऐप डेवलप किया है ई संपर्क, जिससे कि चुनाव में जो भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे वो उनके पास एक क्लिक ऑफ द बटन पे उनको सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। सर एम्बुलेंस का भी आपने बताया यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटीज भी है। बरेली एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो इस सेकेंड फेज के चुनाव जहाँ जहाँ पर भी संपन्न हो रहे हैं अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सर पूरी रेंज की बात करें तो अभी दूसरा स्टेट उत्तराखंड भी है, वहाँ भी इलेक्शंस हैं, तो इसलिए वहाँ बॉर्डर्स पे क्या क्या सिक्योरिटी? उत्तराखंड के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं बिजनौर के, रामपुर और मुरादाबाद के, सभी बॉर्डर्स पे हमारे चेक पोस्ट स्थापित हैं और राउंड द क्लॉक चेकिंग वहाँ पर शुरू करा दी गई है, ये लगातार चुनाव तक जारी रहेगी। जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उनके लिए क्या है और जो कुछ येलो कार्ड्स भी जारी किए गए हैं लोगों को, ऐसे लोग जो चुनाव के समय गड़बड़ी कर सकते हैं उन लोगों को सचेत करने के लिए कुछ कार्ड जारी किए गए हैं, जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं वहाँ पर ऐसे लोग जो समस्या कर सकते हैं ऐसे कारकों को चिन्हित करके उनको कार्ड जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त सेंसिटिव एरियाज में जैसे मैंने पहले ही बताया हम लोग ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके भी उनको वॉच किया जा रहा है। तो देखिए मुरादाबाद में किस तरह की व्यवस्था की गई है, आपको बताते कि बरेली एयरपोर्ट पर जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही बॉर्डर्स की अगर बात करें तो देखिए बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि ऐसे लोग जो लोग गड़बड़ी कर सकते हैं कल मतदान के वक्त उनके लिए येलो कार्ड भी जारी किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।